प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए उनके बैंक खातों में भेजी गई राशि। मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत ट्रांसफर की राशि 16,208 विद्यार्थियों को मिलेंगे 40,52,00,000 रुपए। 335 करोड़ की लागत वाली बारकरी जगनिया उच्च दाब पाइप सिंचाई नहर परियोजना का हुआ भूमि पूजन। सेंद्री में सिंध नदी पर पुल, सीहोर में महाविद्यालय एवं तहसील तथा लधेरा बांध निर्माण की सीएम ने की घोषणा। कोरोना लॉकडाउन अवधि में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लाखों विद्यार्थियों को उनके घर में ही पहुंचाई गई शैक्षणिक सामग्री। डिजिटल लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत भेजी गई शैक्षणिक सामग्री। विद्यालयों के मान्यता नवीनीकरण के लिए निर्धारित शुल्क आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 तक के लिए स्थगित किया गया है। दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई और दुर्गा पंडालों को लेकर कांग्रेस प्रदेश सचिव संजय परिहार ने जताया ऐतराज, कहा कि सरकार ने संशोधन नहीं किया तो वे करेंगे विरोध। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा जिला कार्यालय में हुआ एकात्म मानववाद पर गोष्ठी का आयोजन, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित बड़े नेतागण रहे मौजूद। बमनी एवं मंडला क्षेत्र के युवाओं ने ली कांग्रेस की सदस्यता, अखिलेश ठाकुर के नेतृत्व में नगर के 70 युवाओं ने ली सदस्यता। नगर भाजपा द्वारा बूढ़ीमाई वार्ड में दीनदयाल जी की जयंती मनाई गई, जिसमें सेवानिवृत्त लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सहायक यंत्री एवं जनपद सीईओ के वेतन रोकने के कलेक्टर ने दिए आदेश। गरीब कल्याण योजना के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसर का कार्य पूर्ण न होने पर नाराज थी जिला कलेक्टर। गरीब कल्याण योजना के तहत आंगनबाड़ी भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों को 15 दिवस में पूर्ण कराकर हस्तांतरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश।